हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे अरारोट के पापड़। मैंने तो कई प्रकार के पापड़ की वीडियोज अपलोड की हुई है, तो मुझे कमेंट में आया था कि अरारोट का पापड़ बनाइए, तो मैंने आज बनाया अरारोट के पापड़। तो इस पापड़ की वीडियो को आप लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, 1K लाइक ज़रूर पहुँचाइएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको फिर से किस पापड़ की वीडियो चाहिए। अगर वीडियोज होगी तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर नहीं होगी तो मैं आपके लिए रेसिपी तैयार करूंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए मैंने 1 कप से कम ही अरारोट का आटा लिया है। यह आटा बिल्कुल बारीक होता है, आप देख रहे हैं बिल्कुल बारीक है। तो मैं इतने से ही बनाऊंगी, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं, 1 कप 2 कप। तो आटा को मैंने एक बड़ा सा बाउल में डाल दिया है। तो इसमें मैंने डाल दिया 1/2 कप पानी। तो इसका हम घोल तैयार कर लेंगे। ये आटा बिल्कुल बारीक होता है और इसमें पानी ज़्यादा लगेगा, मैं अभी आपको बताती हूँ कि कितना पानी डालना पड़ेगा। तो 1/2 कप पानी जो बचा लिया था मैंने, उसे भी मैंने डाल दिया है। 1 कप पानी और डाल देती हूँ और 1 कप पानी और, तो टोटल मैंने 3 कप पानी डाला। अभी मैं इसमें पानी और डालूंगी। ये इतना पतला दिख रहा है ना, लेकिन जब गैस पे चढ़ाएंगे तो बिल्कुल गाढ़ा होता जाएगा। तो गैस पे मैंने एक कढ़ाही रख दिया है, उसमें डाल देंगे और कंटिन्यू चलाते रहना है। तो इसको पकाने में लगभग 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो इसमें मैं 1 कप पानी और डाल देती हूँ। अभी पानी इसमें और लग सकते हैं, जब पूरी तरह से पक जाए तो उसके बाद पानी बिल्कुल नहीं डालना है, पहले आप डाल सकते हैं। तो ये हल्का हल्का थिक होने लगा है और कंटिन्यू चलाते रहना है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। तो ये हल्का हल्का गाढ़ा हो गया है, तो मुझे पानी कम लग रहा है, तो मैं इसमें पानी और डाल देती हूँ। अभी हमें और देर तक पकाना है, तो अभी हम पानी डाल सकते हैं। तो 1 कप पानी मैंने डाल दिया है, तो टोटल मैंने 5 कप पानी डाला। तो फ्रेंड्स, अरारोट के आटे में पानी ज़्यादा लगता है, मेरा आटा 1 कप से कम ही था, फिर भी 5 कप पानी लग गया। तो अरारोट में बबल्स आने लगे हैं, तो नमक डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। और नमक हमें कम ही डालना है, क्योंकि पापड़ सूखने के बाद कम हो जाते हैं, तो नमक ज़्यादा ना लगे। तो हमें इसे कंटिन्यू चलाते हुए अच्छी सी उबाल आने तक हमें पका लेना है। अभी और देर तक हम पकाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से पकने लगा है। इसी तरह 2-3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे, बबल्फ आने के समय, जब बबल्फ आने लगे तो 2-3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। तो इस तरह पकाने से ना पापड़ टूटते फटते नहीं हैं। तो अच्छे से हम पकाएंगे, आप भी अच्छे से पकाइएगा ज़रूर। तो गैस हमने ऑफ कर दिया, ठंडा होने देते हैं पूरी तरह से। तो यहाँ पे पूरी तरह से ठंडा हो गया है, तो आप देख रहे हैं ना कितना गाढ़ा हो गया है, लेकिन ये परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो इसे हम बिल्कुल अच्छे से मिला देंगे, जो थोड़ा गुल्ठियाँ दिख रही हैं ना, तो इसमें हम चिली फ्लेक्स डालकर बिल्कुल अच्छे से मिला देंगे। तो ये डाल दूंगी चिली फ्लेक्स और अच्छे से मिला दूंगी, बिल्कुल अच्छे से 1 मिनट तक फेंट लेना है। और ये बिल्कुल ठंडा है, बिल्कुल ठंडा करने के बाद ही हम पापड़ बनाएंगे। ठंडा करने के बाद पापड़ बनाते हैं ना, तो अच्छे से जब प्लास्टिक की सीट पर बिछाते हैं तो पापड़ छोड़ देता है, नहीं तो प्लास्टिक की सीट में चिपक जाता है। तो अब आ गए हैं हम छत पर। यहाँ पे मैंने प्लास्टिक की सीट बिछाई हुई है और प्लास्टिक की सीट में मैंने कोई ऑयल नहीं लगाया है। तो इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे, मेरा चम्मच बड़ा है, अगर आपका छोटा चम्मच हो तो 2 चम्मच 3 चम्मच डालिएगा। और डालकर हल्का सा फैला देंगे,
फिर से डालेंगे। मैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पापड़ नहीं बना रही हूँ, तो फिर से फैला देंगे। तो इसी तरह हमें बना लेना है। कितने सुंदर सुंदर पापड़ हमारे बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा आपको कौन सी पापड़ की रेसिपी चाहिए, मैं आपके लिए अपलोड कर दूँगी। तो इसी तरह हमें सारा पापड़ बना लेना है। हल्का हल्का फैलाना है बस डालकर। तो इतना पापड़ मैंने बना लिया है। इसी तरह देखिए आप, मैंने सारा पापड़ बनाकर तैयार कर लिया है, ये देखिए। अब हम सूखने देते हैं। तो यहाँ पे मैंने पलट दिया है। जब पापड़ आपका पलटने लायक हो जाए तो आप पलट दीजिएगा, नहीं तो टूट सकते हैं। 2-3 घंटे के बाद पलट देना है। तो सूखने देते हैं पूरी तरह से। तो यहाँ पे हमारा पापड़ पूरी तरह से सूख गया है, बिल्कुल अच्छे से सूख गया है। और आप देख रहे हैं ना कितने पतले पतले मेरा हाथ नीचे दिख रहा है, पारदर्शी पापड़ हमारे बिल्कुल बने हैं और बिल्कुल भी टूटे फूटे नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड सोयाबीन ऑयल गरम किया है, एक पापड़ डाल दूँगी। मैं आपको तल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से फूल गया है और बिल्कुल वाइट है, बिल्कुल रुई जैसे। ये देखिए बिल्कुल मुलायम और बिल्कुल वाइट, खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगे। मैं तो पहली बार बना रही हूँ। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये पापड़ की रेसिपी कैसी लगी। एक पापड़ में और दिखाती हूँ तलकर। तो ये देखिए कितने मुलायम पापड़। तो फ्रेंड्स, लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक तो बनता है। तो ये देखिए तीसरा पापड़ भी मैंने आपको तल के दिखाया, कितने फटाक से फूल जाते हैं। और गैस की फ्लेम मैंने मीडियम किया है, ना बहुत ज़्यादा हाई ना तो बहुत ज़्यादा धीमा, मीडियम आंच पे। तो इसी तरह मैं सारे पापड़ को तल लूँगी। हमने कोई सोडा भी नहीं डाला था, फिर भी हमारा पापड़ कितने अच्छे से फूल रहा है। तो फ्रेंड्स, आपने मुझे कमेंट में बताया कि अरारोट के पापड़ अपलोड कीजिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आप ज़रूर बताइएगा आपको कौन से पापड़ की रेसिपी चाहिए। तो मैंने सारा पापड़ तलकर तैयार कर लिया है। आप देख रहे हैं कितने मुलायम हमारे पापड़ बने हैं, बिल्कुल रुई जैसे, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला, कितने आसानी से टूट जाते हैं ना, आप देख रहे हैं। तो ये पापड़ की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलेंगे अगले पापड़ की रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कौन सी पापड़ की रेसिपी चाहिए।